तो हेलो गाइस, बाकी हनमा सीजन 3 एपिसोड 25 की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी यूजीरो के सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता लगाना होता है कि यूजीरो अभी कौन सा अटैक करने वाला है। देखा जाए तो इन दोनों को अपने ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए करीबन आधा सेकंड लगता है, लेकिन यहाँ पे यह देखा जाएगा कि बाकी यूजीरो के हमले को रोक पाता है या नहीं। वही अगर बाकी ने यूजीरो के हमले को नहीं रोका तो उसकी बहुत ही बुरी हालत होगी। मगर तभी यूजीरो कहता है, बस अभी बहुत हो गया, कब तक बाप बेटे एक दूसरे के हमले का इंतजार करेंगे? अगर हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के अटैक का इंतजार करते तो तुम बच जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत करूंगा। तो ये देख के डोपरुची कहता है, बहुत बढ़िया, इसने तो गेम ही चेंज कर दिया। वही फिर यूजीरो बाकी को कहता है, मैं तुम्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने का मौका दे रहा हूँ, तो तुम तैयार हो जाओ। तो वही ये सुन के बाकी कहता है, ये क्या कर रहे हो आप, मैंने तो आपके गेम के लिए अभी तक हाँ भी नहीं बोला। और तभी हम देखते हैं कि यूजीरो गिनती को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही 5 होते हैं वो बाकी पे हमला कर देता है। ये देख के बाकी अपने जेब से अपने हाथों को निकाल लेता है और नीचे की तरफ झुक जाता है। बाकी का मूव वैसे ही था जैसे कोई स्वॉर्डमैन अपनी तलवार निकालने के बाद फाइटिंग के लिए रेडी होता है, जिसके बाद यूजीरो अपनी पूरी ताकत से बाकी पे हमला कर देता है। मगर वो जैसे बाकी के पास आता है तो वह अपने पंच को रोक देता है और फिर बाकी के चेहरे को टच करके हल्का सा पुश करता है, जिससे कि बाकी हवा में उड़ जाता है। मगर तभी बाकी उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है और फिर उसका हाथ पकड़ के जमीन पे गिरा देता है। बाकी ने जो यूजीरो पे अटैक किया होता है उसका नाम होता है टाइगर किंग अटैक। फिर वही पे हम एक पर्सन को देखते है जो होता है ओलिवर। वो ये देख के कहता है, बाकी के इतने कमजोर हमले ने तुम्हें जमीन पे गिरा दिया, तुम बुड्ढे हो चुके हो, लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी, तुम्हारा बेटा बाकी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वही हम देखते हैं कि बाकी ने यूजीरो के सर को अपने पैरों के बीच में दबा के रखा था और उसके दाएं हाथ को इस तरह मोड़ा था कि वो उठ ना सके। वही फिर बाकी सोचता है, क्या मैंने सच में अपने डैड के तो वही डोपरोची कहता है, ओगर तुमने बाकी को बहुत ही कमजोर समझ लिया, बाकी तुम्हारे ही डीएनए से पैदा होने वाला एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद बाकी यूजीरो से कहता है, मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हो, मैंने पहले आपके अटैक का पता लगा लिया था जिस वजह से मैं उसे डॉज कर पाया, तो अभी जमीन पे पड़े पड़े क्या कर रहे हो, उठो और मुझसे बात करो, आप ऐसे ही लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते, आप उठो और मुझसे लड़ाई करो, आप यूजीरो हनमा हो, आप हार नहीं मान सकते। वही फिर डोपरुची कहता है, बाकी तुम ये मत समझो कि तुम जीत चुके हो, तुम्हारा बाप इतना भी कमजोर नहीं है। मगर तभी हम देखते कि यूजीरो अपने एक हाथ से ओके का साइन बनाता है और तभी वह अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। ये देख के बाकी कहता है, इन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठा लिया, इसका मतलब अभी ये कुछ खतरनाक करने वाले हैं। और तभी यूजीरो जमीन पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। मगर तभी हम देखते कि यूजीरो गोल घूमता है और अपने उस हाथ को जमीन में गोल घुमाते हुए बाकी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि बाकी बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो ये देख के ओलिवर कहता है, ये अटैक बस यूजीरो हनमा ही कर सकता है, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद बाकी उठते हुए यूजीरो से कहता है, माफ कर देना डैड, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे लड़ते हुए मुझे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और आपसे लड़ता ही रहूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हानायामा और चिराया को देखते हैं। तो हानायामा चिराया से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि लड़ाई शुरू हो चुकी है? वही चिराया बताता है, हर न्यूज में मोबाइल में बस उन दोनों की बातें चल रही है, नहीं मानता। और ये कहते वो यूजीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन यूजीरो उसके अटैक से बच जाता है। पर तभी बाकी उसे किक मारने लगता है। ये देख के यूजीरो उसके पैर को पकड़ के उसे धक्का दे देता है और बहुत ही स्टाइल से वहाँ पे बैठ जाता है। और वही हम बाकी को देखते हैं जो गिरते हुए भी वहाँ पे बहुत ही स्टाइल से रुक जाता है। जिसके बाद यूजीरो कहता है, बहुत बढ़िया बेटे, लेकिन इन छोटे मोटे हमलों से तुम्हारे अंदर के जींस नहीं जागेंगे। ये सुन के बाकी कहता है, मेरे अंदर के जींस, इसका मतलब हनमा परिवार का खून। और वही सबको पता चल जाता है ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली है। इसके बाद यूजीरो अपना बहुत ही खतरनाक वाला मूव करता है और वो बाकी से कहता है, तुम्हें पता है बाकी, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, मुझे बस एक ही जन हरा सकता है और वो है बाकी।
लेकिन अभी तुम्हें अलविदा कहने का समय हो चुका है। और ये कहते यूजीरो बाकी के पास जाता है और उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि बाकी उड़ते हुए एक वैन के ऊपर गिर जाता है। फिर जैसे ही बाकी नीचे उतरता है तो यूजीरो उसके पास आके उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि वो गाड़ी पूरी उड़ जाती है और वही बाकी की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 25 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।